नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। हमारे चैनल का मकसद है आप सभी तक हमारे प्राचीन ज्ञान की बात पहुंचे, जो कि दोस्तों लुप्त होने की कगार पे हैं। ये पौधा देख लीजिए, इस पौधे को धतूरा के नाम से जानते हैं, आपके यहाँ हो सकता है दूसरे नाम से जाना जाता हो। तो आप कितने भी पैसे क्यों ना कमाते हो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए, और पैसे नहीं भी कमाते तो दोस्तों कभी ना कभी आपको नज़रदोज जरूर लगा होगा। चाहे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इंडिया में किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, टोना जादू या बाहरी तांत्रिक क्रियाकलापों को झेलना ही पड़ता है ना। थोड़ा बहुत कमाने लगे तो लोग मतलब समाजी तांत्रिक क्रियाकलाप करने लगते हैं, और अगर आप ओझा के पास जाते हैं, बैगा के पास जाते हैं या तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं तो पैसा ऐठने का काम करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो ये पौधा देखने, इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को नज़रदोष उतारने का तरीका बताऊंगा। अगर इसे आप गले में धारण करके है ना, इसके कुछ चीज़ों को पढ़ना होता है तो लाइफ टाइम के लिए आपको शनि राहु भूत प्रेत टोना जादू ग्रह नक्षत्र बाधा, अगर आपको नौकरी में जाते हैं तो कुछ परेशानी होता है ना, सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट सरल आसान तरीका। हमने बहुत से लोगों को देखा है अपने चैनल में, पिछले वाले चैनल है हमारे बड़े चैनल, उसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े थे तो बोल रहे थे कि सर हमें काफ़ी टोना जादू लगता है, हम परेशान हो जाते हैं, बैगा के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं तो पैसा ऐठने का काम करते हैं, सही तरीके से उपचार भी नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये पौधा देख रहे हैं, इसे हमें इसे जो है दोस्तों हमारे इधर की मैं बात करूँ, प्राय अपने इंडिया की मैं बात करूँ, इसे धतूरा के नाम से जानते हैं, और धतूरा भगवान शिव का ही स्वरूप है, समझ जाइए है ना, महाकाल का इसे स्वरूप बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो दोस्तों अगर धतूरे को, ठीक है ये पौधे देख रहे हैं धतूरे, अगर धतूरे को विधिवत शनिवार के दिन अगर निमंत्रण करके श्रीफल वगैरह आपको ले जाना है, निमंत्रण के लिए अगरबत्ती ले जाना है और अक्षत ले जाना है, अक्षत डाल करके इस पौधे को आपको निमंत्रण दे करके लाना है कि मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य में आप जो भी, जैसे कि टोना जादू दूर करना है टोना जादू बोल दीजिए, अगर आपको घर में किसी भी प्रकार की आपको तांत्रिक बाधा रहता है तांत्रिक बाधा निवारण के लिए ले जा रहा हूँ बोल करके आपको निमंत्रण दे करके शनिवार के दिन आना है। किसी भी मास का शनिवार हो चलेगा, इसके बाद आपको रविवार के दिन स्नान करने के बाद इसके जड़ को खन करके ले आना है। अभी नवरात्रि आने वाले तो आपको करना क्या है, नवरात्रि के बीच में ही इसके जड़ को धोने के बाद गंगा जल से धो देना है, स्नान ध्यान कराने के बाद इस जड़ को आपको पूजा वाले स्थान पे रख देना है, तो 9 से 10 दिनों के भीतर में स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। और आपको अगर लगता है कि आपके घर में पैसे की तंगी रहता है, ग्रह नक्षत्र वास्तु दोष लगा है, तो एक काम करें, इसके जड़ को आपको गंगा जल में डुबाने के बाद पूरे पानी की छींटा आपको अपने घरों पे मारना है, बिल्कुल ही दोस्तों वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, घर में नकारात्मक शक्ति उसका भी समान करता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, बहुत से लोग बोलते हैं सर हमें टोना जादू होता है, हम थोड़ा बहुत काम करते तो हमारे पड़ोसी लोग जलते हैं, मतलब हमारे तरक्की को देख नहीं पाते, हम काफ़ी परेशान हैं। तो देखिए मैं टोना जादू भूत प्रेत राहु केतु इन सबकी मैं बात करूँ, बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं, तो क्या करें इसके जड़ को, ठीक है इसके जड़ को आपको ताबीज़ में डाल करके पहनना है, कभी भी आपको भूत प्रेत टोना जादू या जो भी आप समस्या से घिरे रहते हैं कभी भी नहीं लगेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और हमने इस जड़ को अपने बहुत सारे लोगों को पहना के रखें, अच्छी से इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि साक्षात महाकाल का स्वरूप है, ये साक्षात शिव स्वरूप है, और आप सभी को पता है शिव पर कभी भी शक्ति नहीं लगती। हमारे चैनल का बनाने का मकसद ही है कि प्राचीन ज्ञान आप सभी तक पहुँचे, ताकि बैगा तांत्रिक ओझा ये सारे लोग ऐठ रहे, पैसा ऐठने का काम करते हैं, सारी जो से आप बचें, और कुछ छोटे छोटे परेशानी को घर पर ही रह करके छोटे मोटे उपाय करके भी आप जो है दूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।